अभय, मोटिव क्या क्लियर हो पाया है? पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है और वहां किस तरह के हालात हैं? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोटिव को लेकर लगातार फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि अभी तक जो FIR दर्ज कराई है, यानी कि बच्चों के पिता विनोद ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें यही बताया है कि साजिश जो है वो जावेद के साथ उनके घर में आया था, 5,000 रुपये की उसने डिमांड की थी कि उसे ज़रूरत है, उसकी पत्नी एडमिट है, और उसके बाद कुछ और पैसे वो लेना चाहता था। ऐसा अभी जिस तरीके से बच्चों के पिता ने जो शिकायत में कहा है उस हिसाब से पुलिस इसे मोटिव लेकर चल रही है। लेकिन बच्चों के ऊपर इस तरीके से हमला करना और बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि वो बच्चों को पहले से जानता था, बच्चे उसकी दुकान पर जाते थे, उसे भैया बोलते थे। एक और अपडेट मैं आपको बता दूं ज्योत्सना, इस वक्त इंडिया टीवी के पास वो FIR की कॉपी है, जिस FIR की कॉपी में पूरा घटनाक्रम जो है वो जो बच्चों के पिता है विनोद, उन्होंने बताया है। विनोद ने अपने अपनी शिकायत में ये बात कही है कि हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद पुत्र वायु, जो कि सोनू थाना अलापुर का रहने वाला है, अपने भाई जावेद के साथ वो यहां पर पहुंचता है, मोटरसाइकिल पर ये दोनों आए थे, उतरकर मेरे घर के अंदर आया साजिद। उस वक्त उसकी पत्नी संगीता और उसकी माता जो है वो घर के अंदर मौजूद थी, और तभी जो साजिद है उसने पैसों की डिमांड की, उसने कहा कि उसे पैसे चाहिए। इसके बाद उसकी पत्नी जो है संगीता पैसे लेने अंदर गई, और जब वो अंदर गई तो साजिद और जावेद जीने से जा रहे थे, साजिद जो है उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, और उसके बाद पूरा घटनाक्रम इस तरीके का है कि वो पहले आयुष को ऊपर लेकर गया, आहान को ऊपर लेकर गया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और पूरी इस पूरी वारदात के अंदर जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो यहां से बाइक पे फरार हो गए हैं, तो पास के ही जंगल में जहां पर ये पता लगा पुलिस को कि एक शख्स खून से सने हुए कपड़ों में देखा गया है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस के ऊपर फायर किया साजिद ने, जिसमें एक कांस्टेबल को गोली भी लगी है, और उसके बाद साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया।